हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं F1 टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप फोन पे ऐप के थ्रू अपना बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे आपको बिजली बिल पेमेंट करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, लंबे लाइन में लगने की जरूरत नहीं। सिंपली आप एक फ़ोन पे ऐप से ही इस चीज़ को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए चलते हैं हम अपने फ़ोन पे ऐप पे, डायरेक्टली इसको हम ओपन कर लेंगे। अगर आपको फ़ोन पे या किसी और ऐप में दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप जो भी आपके क्वेश्चन है वो सब हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फ़ोन पे ऐप से हम कैसे बिजली का बिल पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद उस पर आपको लॉग इन कर लेना है। सिंपली लॉग इन करने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी पे जाना है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली इसके बाद आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे आपके जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उनको उनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके बिजली बिल पे होता है। जैसे आप अगर अजमेर में हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अजमेर विद्युत, उसी तरीके से CST मुंबई, यमुना दिल्ली, कोलकाता, DNH पावर, बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके, उनका यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। तो फ़िलहाल मैं तो पटना में हूँ, तो मेरे जो बिजली बिल के सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका नाम है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली हम सर्च करेंगे SOUTH साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ सिंपली से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। सिंपली हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, इसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका जो भी आपका बोर्ड हो, चाहे वो साउथ बिहार हो, नॉर्थ बिहार हो, चाहे आप कोलकाता में रहते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा CA नंबर मांग रहा है, यानी कि एक तरीके का ID होता है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको नंबर देना होता है, सिंपली यहाँ भी वही प्रोसेस होता है। आपको अपना जो है ID नंबर, CA नंबर, इसी तरीके से नंबर जो आपको डिजिट्स में होता है, अल्फ़ाबेट के लिए होता है, बहुत सारा, सब जगह जगह पर डिपेंड करता है किसका, तो सब जगह जगह पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो है CA नंबर कहलाता है, वो हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए हम अपना CA नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं। जी हाँ, CA नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपका जो CA नंबर है, कस्टमर नंबर है, और आपका जो बिल नंबर है और बिल डेट, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो अमाउंट शो कर रहा था ये 6 रुपया ड्यू है। तो ये ड्यू इसलिए है कि मैंने जो लास्ट टाइम पेमेंट किया था उसमें मैंने 6 रुपया कम किया था। ये जो भी आपने कम पेमेंट करते हैं तो वो यहाँ पे ड्यू दिखाता है। तो चलिए फ़िलहाल इसको हम पेमेंट करके देखते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसको पेमेंट किया जाता है। तो अभी देखिए ये में जो मेरा वॉलेट है, मेरे वॉलेट में भी 112 रुपये ऑलरेडी एडेड है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो मेरा भी 112 रुपये ऐड है। अब देखिए मेरे पास जो ये बैंक अकाउंट है, मैं चाहूँ तो इस बैंक अकाउंट को भी सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ। डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, ये सबसे भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे किसी कार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे वॉलेट में ही इतने रुपये हैं कि मैं 6 रुपये पे कर सकता हूँ। चलिए सिंपली हम इसको अब पे करते हैं। वॉलेट यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, एक बात और, अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाऊंगा कि मुझे कितना कितना कैशबैक मिला है बिल पेमेंट करने समय। तो चलिए इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। पे बिल का ऑप्शन आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा पे बिल का ऑप्शन। सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है, आपका बिल पे हो जाएगा। जी हाँ, मैंने इसको यहाँ पे बिल पे क्लिक किया। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल पेमेंट अंडर प्रोसेस, और यहाँ पे बिल पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे सिंपली मेरे को मैसेज भी आ गया है, देख सकते हैं। पे
पेमेंट ऑफ डेप्स 6 रुपया मैंने जो किया था साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और सीए नंबर के साथ यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। तो देखा आपने कितना सिंपल सा तरीका था इस चीज़ को, और आपको लंबे लंबे लाइनों से छुटकारा पाना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे डन करेंगे। अब ये जो है आप जो आपने बिल जमा किया ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा समय लगता है, कभी कभी तुरंत भी हो जाता है। फिर से हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा रिसेंट है तो इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल उतना ही है, ये कल सही हो जाएगा और इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये आप मुझे बताएं। और हाँ, मैंने बात किया था कि मेरे को जो कैशबैक मिला है, तो सिंपली हम चलते हैं हिस्ट्री पे और मैं आपको कैशबैक दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने 398 का बिल पेमेंट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 398 का मैंने बिल पेमेंट किया था और मुझे 20 रुपये कैशबैक मिला था। ये मैं तो हमेशा इससे करते रहता हूँ, तो 20-30 आते रहता है, फर्स्ट टाइम पे ज़्यादा आपको मिलेगा बेनिफिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कैशबैक बहुत है, और अगर आप मेरे कैशबैक पर नज़र डालें, जी हाँ मेरे कैशबैक पर अगर आप नज़र डालें तो मैं तो बहुत कैशबैक ले चुका हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप जो देख सकते हैं यहाँ पे 12 रुपये, 100 रुपये, ये सब जो है मेरे कैशबैक है फ्लिपकार्ट से कैशबैक, यानी कि मैं इसका हमेशा यूज करते रहता हूँ। तो आप भी फ़ोन पे ऐप यूज कीजिए, हर रिचार्ज पे आपको कैशबैक वगैरह ये सब का ऑफ़र आपको मिलते रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। व्यूअर जो हमारे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।